विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ओबीसी आरक्षण के साथ ही आदिवासी विकास के बजट का मुद्दा भी गरमाया, जहां सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। वहीं एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए इसे नौटंकी बताया। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में एक ही रार है कि आखिर पंचायत चुनाव होंगे या टल जाएंगे, और इसी बीच में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर हॉट सीट की तरह गरमाता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, सीधी बात करते हैं। मंत्री जी, क्या मानते हैं सदन में विपक्ष ने जो हंगामा किया, ओबीसी आरक्षण से बात निकली थी, जनजातीय बंधुओं के विकास पर आ गई और अब पंचायत चुनाव पर अटकलें फिर तेज़ हो रही हैं, आप क्या मानते हैं? एक्चुअली जो कांग्रेस पार्टी है आज पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश को मालूम है कि ओबीसी के आरक्षण पर रोक किसने लगाई। विवेक तनखा साहब कांग्रेस के सांसद हैं, लगातार लड़ते रहे, लगातार बोलते भी रहे। मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया था कि इसी आधार पर ओबीसी के साथ आरक्षण के आधार पर हम चुनाव कराना चाहिए, तो जब वो फंस गए, उनको ध्यान आ गया, तो कल सीएम साहब ने बोला भी है कि पहले खुजती करते करते घाव हो गया, अब उस पर डेंटिंग पेंटिंग करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने सदन में कहा है चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे, ओबीसी को आरक्षण देके चुनाव होंगे। इसके लिए जिस जिस जुडिशियल सिस्टम में जाना, न्यायिक प्रक्रिया में मध्य प्रदेश की सरकार जा रही है, और माननीय सीएम साहब का संकल्प है, उस संकल्प के साथ ही ये निर्वाचन होगा। ये कांग्रेस ने धोखेबाजी की है, कांग्रेस ने बेईमानी की है ओबीसी लोगों के साथ, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार इसके साथ खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सब समाज को संगठित करके काम करने वाली है। मध्य प्रदेश में 3-3 मुख्यमंत्री उमाजी हुई, बाबूलाल गौर साहब हुए, शिवराज सिंह चौहान साहब हुए, ओबीसी समाज से दिए हैं। इसलिए मेरा कहना अकेला ओबीसी नहीं, मुख्यमंत्री महोदय चाहे ओबीसी हो, सामान्य हो, एससी हो, एसटी, सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। सदन में संकल्प आने से कन्फ्यूजन की स्थिति है, जिन लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं वो इस पर हैं कि 6 तारीख को जो पहला चरण होना है क्या वो संपन्न होगा या नहीं होगा, उस पर भी कोई बादल है, या इस पर जो है सदन पर की कार्रवाई के बाद आगे क्या? मुझे लगता है इसमें जो है ना, जो निर्वाचन आयोग है, मिस्टर बीपी सिंह साहब हैं, उनका स्पष्ट दिशा निर्देशन है, क्योंकि इसमें जब आयोग का विषय आ जाता तो उसमें सरकार का विषय अलग हो जाता, इसलिए निर्वाचन आयोग उस पर निर्णय करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार का स्पष्ट मत है कि न्यायिक प्रक्रिया में हम कैसे ओबीसी को आरक्षण दिलवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जनजातीय विकास मंत्रालय के बजट को लेकर हंगामा हुआ है, सरकार पर फिर आरोप लगे हैं और एक बार फिर आदिवासी आवाज़ उठ रही है, आप क्या मानते हैं? एक्चुअली अभी इतना बड़ा कार्यक्रम किया है बिरसा मुंडा जी की जयंती पर, आदिवासी समाज जो है ना, हमारा वनवासी बंधु है, उनके लिए इतनी बड़ी घोषणा हुई है, पीएम साहब से लेकर सभी लोग, एक्चुअली कोई हितकारी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, आदिवासी वनवासी समाज के साथ खड़ी हुई है। ये सब नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। आपने क्या किया, 89 ब्लॉक्स हैं मध्य प्रदेश में ट्राइबल, 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में पूरा जो भी काम होंगे, जो भी उत्खनन से माइनिंग से लेके अन्य प्रकार का जो व्यवसाय होंगे, सब हम ट्राइब, हमारी कॉपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पे बनोपज करके, सब उनके माध्यम से करा रहे हैं। भाई आपने क्या किया, इसलिए क्या करना, सदन को 18 क्वेश्चन थे कांग्रेस के एमएलए के, उस पर चर्चा नहीं होने दी, जनता जनार्दन की जो समस्या है उस पर आपने डिस्कशन नहीं किया है, आपने क्या है नौटंकी नाटक करके और हंगामा करके इसको बाधित कर दिया। विपक्ष को कोई नसीहत देंगे क्या? विपक्ष से हमारा कहना है कि ईमानदारी से आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। मध्य प्रदेश की जनता, लोकतंत्र में असली परीक्षा कहाँ होती है, जनता की अदालत में होती है। जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया, बाद में उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी हम 19 सीटें जीत के आए, अभी चुनाव हुए, टोटल मिला के 1 लोकसभा 3 विधानसभाएँ, टोटल देखेंगे तो कितना हो गया, ये 11 हो गई, 11 में से हम 9 जीते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट है, तो मैंडेट का हमेशा सम्मान करते रहिए और विपक्ष की भूमिका आप उठाइए। कोई ऐसे मुद्दे आते हैं तो हमारी सरकार आपके विषयों को सुनने को तैयार है, उनका समाधान भी करेंगे। बातचीत के लिए, विपक्ष को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए, और जिस तरह से जो तमाम सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं और लगातार मध्य प्रदेश में अब जनजातीय विकास के बजट को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है, देखना बहुत लाजमी होगा कि पंचायत चुनाव के बीच में ओबीसी आरक्षण के साथ साथ कैसे जनजातीय विकास को लेकर बजट जो पारित किया गया है उस पर ये हंगामा आगे भी जारी रहता है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ भोपाल।